अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करेंगे टैली के अंदर जो मज़ीद रिपोर्ट्स बाकी हैं उनको। स्टार्ट करते हैं टैली को और देखते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स बाकी हैं। डिस्प्ले में आते हैं और डिस्प्ले में आने के बाद हम इसमें जाते हैं, तो हमने इसमें ट्रायल बैलेंस, डे बुक और कैश यानी फ़ंड फ्लो को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं अकाउंट्स बुक्स को, यानी बहुत डिटेल में है ये, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। ये हमने सबसे पहले ओपन की अकाउंट बुक्स और इसके अंदर सबसे पहली बुक आपको नज़र आती है कैश बुक यानी बैंक बुक। आपको याद होगा जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड ईयर में भी आ चुके हैं, उन सब ने, या बीकॉम के स्टूडेंट्स कोई से भी हो, आपने कैश बुक पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते थे, कितना कैश आया, कितना कैश गया, और बैंक बुक में ये रिकॉर्ड करते थे, यानी कैश बुक में ही एक और कॉलम होता था, थ्री कॉलम कैश बुक में, एक कॉलम उसमें होता था बैंक का कि बैंक में कितना पैसा आया और बैंक से कितना पैसा गया। तो उसी बुक को यहाँ पर कैश यानी बैंक बुक कहा जा रहा है। इसे ओपन करते हैं, ये आपके सामने शो कर रहा है कि इस वक्त आपके पास कैश इन हैंड, कैश जो आपके पास रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, 2,48,600, और इस वक्त आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, 1,30,000। ठीक, ये किस डेट तक की बात हो रही है, 1 जनवरी से लेकर 23 अगस्त तक। अगर मैं यहाँ पर इसके पीरियड को यहाँ पर चेंज करूँ और 1 जनवरी से लेकर मैं इसे कर दूँ 31 अगस्त 2021, तो अब बैंक में 130 के बजाय 120 हो गए। याद होगा आपको कि मैंने एक पोस्ट डेटेड की एंट्री रिकॉर्ड की थी। तो अगर आपको इसकी मज़ीद डिटेल जाननी है तो कैश या बैंक पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक पे क्लिक किया, ठीक है, और बैंक पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बैंक की डिटेल शो कर रहा है। मई के महीने में बैंक में 2,50,000 रुपये डेबिट हुए थे यानी आए थे, और 1,10,000 रुपये क्रेडिट हुए थे यानी गए थे। तो बैंक में उस वक्त बचे थे कितने, 1,40,000 रुपये। जून में ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया, जुलाई में भी कोई पैसा ना आया ना कोई पैसा गया, अगस्त में सिर्फ 30,000 क्रेडिट हुए यानी 30,000 कैश गया है मेरे बैंक से, तो मेरे बैंक में कितने पैसे बचते हैं, 1,10,000। अगर आपको इनकी डिटेल जाननी है तो मई के महीने में आता हूँ और इस पर इंटर करता हूँ, इंटर कीजिए, वो आपको डिटेल शो कर रहा है कि कैश डेबिट हुआ 2 लाख, कैश डेबिट हुआ 50,000 की वजह से, ठीक है, यानी आपके पास, सॉरी, बैंक डेबिट हुआ 2 लाख कहाँ से, कि आपने कैश डिपॉजिट करवाया। फिर आपके बैंक में 50,000 रुपये आए कहाँ से, कैश से, आपने कैश डिपॉजिट करवाया। फिर आपके बैंक से 60,000 गए, पेमेंट किया आपने, पेमेंट वाउचर बनाया था, किसको पेमेंट की थी आपने, मिस्टर एक्स को पेमेंट की थी। फिर आपके बैंक से 50,000 गए, पेमेंट वाउचर बनाया था आपने, पेमेंट की थी, क्यों पेमेंट की थी, क्योंकि आपने सैलरीज की पेमेंट की थी, ठीक है जी। तो ये आपकी डिटेल शो कर रहा है सिर्फ कौन से महीने की, मई के महीने की। अगर आप चाहते हैं कि भाई पूरी डिटेल शो करे तो 1 मई से लेकर आप इसे कर दिए 31 अगस्त 2021। अभी आपको ये मई, यहाँ तक मई की इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है, और फिर ये तीन इन्फॉर्मेशन जो आपको अगस्त के महीने की शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपकी जो बेसिकली कौन सी बुक है, ये आपकी बैंक की बुक है, और यूँ समझ लीजिए कि बैंक का क्या है, ये लेजर, यानी जब आप बैंक का लेजर खोलेंगे तो वो भी यही शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कैश की डिटेल शो करनी है, कैश की डिटेल भी इसी तरीके से शो होगी, सारी बातें। तो ये आपकी कैश बुक यानी बैंक बुक दोनों एक ही अंदर, एक ही चीज़ के अंदर शो हो रही है कि कितना कैश आया, कितना कैश गया और कितना कैश का बैलेंस बचा, ये बैलेंस शो कर रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। अब आता हूँ मैं लेजर में। लेजर का मतलब ये कि जितने लेजर आपने बनाए हुए हैं उनकी समरी यानी उनके उनके रिकॉर्ड्स को शो करेगा, जैसे बैंक, कैश, कैपिटल, ये जो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, यानी जितने लेजर्स आपने बनाए हैं इसकी समरी शो करेगा। मिसाल के तौर पर मैं बैंक ओपन करता हूँ, मैंने बैंक को ओपन किया तो वो 1 अगस्त से 23 अगस्त तक की इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। मैं कहता हूँ कि भाई पीरियड यहाँ पर जाइए, पीरियड पर क्लिक कीजिए और 1 अगस्त के बजाय से कर दीजिए 1 मई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021, ठीक है भाई। अब शो करो तो देखिए ये वही चीज़ शो कर रहा है जो बैंक का, अब जो बैंक बुक शो कर रही थी, यानी बैंक का लेजर भी वही शो कर रहा है और बैंक बुक भी वही शो कर रही थी, ठीक है। तो एक ही बात है कि आप बैंक का लेजर बनाएं या बैंक बुक बनाएं, एक ही चीज़ शो करते हैं। हाँ, कोई और सा लेजर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल के मैं मिस्टर एक्स का अकाउंट्स पेबिल का लेजर देखना चाहता हूँ, तो इसको आप इंटर कीजिए और यहाँ पर डेट यानी पीरियड पर चले जाइए। अच्छा, डिटेल देखनी तो यहाँ पर डिटेल पर क्लिक कर दीजिएगा, फिलहाल इसकी डिटेल कुछ है नहीं, पीरियड पर जाइए तो 1 मई 2021 और 31 अगस्त 2021, ठीक। अब वो आपको पूरी डिटेल शो कर रहा है कि 20,000 क्रेडिट हुए थे, क्रेडिट क्यों, क्योंकि आप पेबिल का लेजर है, तो देखिए पेबिल जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है, जब डिक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड पर लिखा जाता है, ठीक है जी। तो ये इनका जो है वो लेजर शो हो रहा है इस वक्त कि क्रेडिट कितना हुआ है और डेबिट कितना हुआ है, ठीक है, वो कोई गड़बड़ी हुई है इसके अंदर, वट एवर। इसी तरीके से आपको अगर किसी और का, मिस्टर ए का रिसीवेबल का लेजर चेक करना है, इनका लेजर चेक कर लीजिए, पीरियड यहाँ पर डिज़ाइन कर दीजिए 1st 5 2021 और 31st 8 2021,
ये आपको रिकॉर्ड शो हो रहा है किसका, मिस्टर ए का। सेल की थी तो अकाउंट रिसिवेबल डेबिट हुआ, फिर 2 बार क्रेडिट हुआ, 1 बार कैश पे किया आपने उन्हें, सॉरी कैश आपने उनसे रिसीव किया तो रिसीवल उनका क्रेडिट हुआ, उन्होंने सेल रिटर्न की तो रिसीवल क्रेडिट हुआ, फिर आपने 2 बार और सेल की तो रिसीवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो इस वक्त उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 20,050 रुपये, ठीक है। ये इस वक्त इनका एंडिंग बैलेंस, यानी आप मिस्टर ए को फ़ोन करके बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर जो उधार बाकी है वो कितना उधार है, 20,050 रुपये। जो आपका सीडी बैलेंस आता था ये बेसिकली वो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी क्लोजिंग बैलेंस यानी सीडी बैलेंस जब आप टी अकाउंट बनाते थे। तो ये लेजर थे आपके, लेजर मतलब टी अकाउंट्स थे। टी अकाउंट के कोई किसी भी टी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अगर चेक कर लें, मैं कोई और भी चेक कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं मिस्टर बी का अगर चेक करता हूँ तो ये मेरा मिस्टर बी का रिकॉर्ड शो हो रहा है। ये मई के महीने में नहीं था, ये मुझे याद है, ये जून जो अगस्त के महीने में था। तो इनकी डिटेल सही है, ये इनका रिकॉर्ड है 500 और 900 मिलाकर, कह रहे हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1400, ठीक है, ये इनका एंडिंग बैलेंस है। तो ये आपके लेजर शो हो रहे हैं और लेजर के अंदर जो है वो उनकी इट समरी शो हो रही है। फिर उसके बाद ग्रुप समरी है। ग्रुप समरी क्या है कि आपके अगर इनको ग्रुप वाइज इनको देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या मैं फिक्स एसेट्स को देखना चाहता हूँ तो फिक्स एसेट्स पे क्लिक कीजिए, वो बता रहा है कि भाई ये रही फिक्स एसेट्स की डिटेल कि इक्विपमेंट आपके पास डेबिट हुआ 121,000 1 जनवरी से लेकर 23 अगस्त तक, और फर्नीचर आपके पास डेबिट हुआ 50,000। ये किसकी बात कर रहे हैं, वो फिक्स एसेट्स की। अब जितने भी फिक्स एसेट्स हैं सब इसके अंदर आ गए। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ सन्ड्री डेटर्स की। सन्ड्री डेटर्स कहाँ है भाई, सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स उसने मुझे बता दिया कि मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी हैं और मिस्टर वाई, ये उनके रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप वाइज यानी कि आप यहाँ पे ग्रुप वाइज जो है वो उनके रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। फिर उसके अंदर अगर आपको मजीद उसके अंदर जाना है, जैसे मिस्टर ए का रिकॉर्ड चेक करना, तो इसके अंदर इंटर दबाइए, ये मिस्टर ए का रिकॉर्ड आ जाएगा, पूरी डिटेल शो करिए। मजीद अंदर जाना है तो मजीद इंटर दबाइए, लेकिन मैं फ़िलहाल बाहर आना चाहता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ग्रुप वाउचर्स, अगर आपने वाउचर्स चेक करने हैं तो आप यहां से वाउचर चेक कर सकते हैं कि आपने किस वाउचर किस ग्रुप के अंदर कौन से वाउचर एंटर किए, उसकी डिटेल शो हो जाएगी। पीरियड दे दीजिए आप, इसे यहां पे पीरियड बता दीजिए 1 मई 2021 से 31 अगस्त 2021 तक के। तो ये उसने बैंक ग्रुप के अंदर के बैंक अकाउंट के अंदर जो जो वाउचर्स बने हैं उसने उस सारे वाउचर्स बता दिए कि बैंक अकाउंट के अंदर कौन कौन से वाउचर्स बने हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी डिटेल शो हो रही है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल संडी डेटर्स के अंदर ही अगर मैं चेक करता हूँ तो संडी डेटर्स के अंदर जो है वो ये वाउचर्स बचे ये बने हैं, यानी कस्टमर्स के ऊपर ये वाउचर बने हैं। अच्छा, पीरियड चले आइए अगर आप इनकी, और यही बता दिया कि किस किस के अगेंस्ट बने, डिटेल में बता जाएंगे तो उसकी डिटेल बता देगा कि किस किस के अगेंस्ट आपने वाउचर बनाए, किस किस के नाम पर। पीरियड बता दीजिए उसे 1 मई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021, तो उसने बता दिया कि भाई 1 मई से लेकर आज तक के कितने वाउचर्स बने हैं अकाउंट रिसिवल की कैटेगरी के अंदर। ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अकाउंट रिसिवल की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। यानी ग्रुप वाइज वो आपको वाउचर बता रहा है कि इस ग्रुप में यानी अकाउंट रिसिवल में कौन कौन से वाउचर बने हैं और कब कब बने हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद है सेल्स लेजर। सेल्स लेजर क्या होता है कि जब आप गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट पर तो आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं, तो ये आपका सेल्स लेजर शो हो रहा है। तो आप इसका रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि मई के महीने में सेल कितने की हुई है, 120 की मिस्टर ए को आपने सेल की थी, ठीक है भाई। अगर आपको सेल्स लेजर का रिकॉर्ड डिटेल में चेक करना है, यानी कि आपको डेट बतानी है, तो 1 मई 2021 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक की डिटेल बता दीजिए। तो उसने आपको बता दिया कि आपने कब कब सेल्स वाउचर बनाया है। जब जब आपने सेल्स वाउचर बनाया यानी जब जब आपने क्रेडिट पर सेल्स की है तब तब की बात यहाँ पे शो की जा रही है। याद रखिए कि इसमें जो है वो आपको कैश सेल्स शो नहीं कर रहा, सिर्फ कौन सी सेल्स शो करेगा वो क्रेडिट सेल्स। आपको याद होगा अगर आप जो है वो स्पेशल जर्नल पढ़ते थे तो सेल्स जर्नल हम कब बनाते थे, जब हम क्रेडिट पर सेल करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट वाली सेल्स को ही शो किया जा रहा है, कैश वाली सेल्स को यहाँ पर शो नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से परचेज रजिस्टर है। परचेज रजिस्टर को अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ और मैं डेट पीरियड बता दूँ उसे, पीरियड मैंने उसे बताया 1 मई से लेकर 31 अगस्त 2021, तो ये देखिए उसने मुझे सारी डिटेल बता दी है। डिटेल पे क्लिक कीजिए, वो डिटेल बता रहा है कि परचेज़ आपने कब कब की है, और ये सारी परचेज़ वो मुझे बता रहा है, वो सारी परचेज़ मुझे उधार वाली बता रहा है, ठीक है। तो जब जब आपने परचेज़ वाउचर बनाया तब तक की डिटेल आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये आपके पास था, बहुत सारी बुक्स बता दी मैंने आपको। जर्नल रजिस्टर यानी जर्नल, हमने कोई अगर जर्नल वाउचर बनाया है तो उसकी एंट्री, तो जर्नल रजिस्टर, जर्नल वाउचर कोई बनाया था तो आपने एक ही जर्नल वाउचर बनाया, टोटल वाउचर एक, और किस महीने में, मई के महीने में। मई के महीने में हमने एक जर्नल वाउचर बनाया था
इक्विपमेंट के हवाले से हमने एक जनरल वाउचर बनाया था, ये उसकी डिटेल शो कर रहा है। इसके अंदर गए हम तो मज़ीद डिटेल शो हो रही है कि हमने इक्विपमेंट डेबिट किया था और अकाउंट्स पे बिल्कुल क्रेडिट किया था 21,000 रुपये से, ये उसकी डिटेल शो हो रही है। ठीक है भाई, आपने यहाँ पर नरेशन लिखी है परचेज प्रिंटर फॉर्म मिस्टर जेड ऑन अकाउंट, हमने मिस्टर जेड से प्रिंटर परचेज़ किया था उधार पर। ठीक है जी, तो उस वक्त हमने ना परचेज़ वाउचर बनाया था ना पेमेंट वाउचर बनाया था, उस वक्त हमने जनरल वाउचर बनाया था, ये जनरल वाउचर था। ठीक है भाई, अच्छा भाई, इसके बाद जनरल वाउचर के बाद वो कहता है डेबिट नोट रजिस्टर, कोई अगर आपने डेबिट नोट बनाया है तो वो उसको शो कर देगा। तो कह रहे हैं कि आपने मई के महीने में एक डेबिट नोट बनाया है और अगस्त के महीने में आपने एक डेबिट नोट बनाया, बस दो डेबिट नोट बनाया। अब अगर आपको इसकी डिटेल चेक करनी है तो इसमें इंटर कर दीजिए, वो आपको डिटेल बता देगा, ये डेबिट नोट उसने आपको खोल कर दे दिया। ठीक है भाई, इसी तरीके से बिल्कुल है क्रेडिट नोट, आप क्रेडिट नोट चेक कर लीजिए, एक मई के महीने में बना हुआ है और एक अगस्त के महीने में, बिल्कुल इसी तरीके से वो शो कर देगा। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास जनरल रजिस्टर, जिन्हें जनरल रजिस्टर के अंदर जो एंट्रीज थी वो हमने शो कर दी यहाँ पर। तो ये हमने आज डिस्कस किया सिर्फ किसको, अकाउंट्स बुक को, बहुत डिटेल थी इसके अंदर, बहुत सारी खिचड़ी थी, हमने आज हमने सिर्फ अकाउंट्स बुक को रजिस्टर किया है। आई होप कि आपको ये देखना समझ में आएगा किस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।